हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जो 10 महीने पानी में डूबी रहती है और सिर्फ 2 महीने के लिए ही पब्लिक के लिए विजिबल होती है। मैं बात कर रहा हूँ बाथू टेंपल की। बाथू टेंपल बाथू की लड़ी में है और बाथू की लड़ी प्लेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और जब 1970 में पोंग डैम बना था, जिसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं, तो ये बाथू की लड़ी प्लेस जो है वो उसकी रेंज में आ गई थी। तो डैम की रेंज में आने की वजह से ये जो प्लेस है वो 10 महीने पानी में डूबी रहती है और मई और जून के महीने में ही सिर्फ ये पब्लिक के लिए अप्रोचेबल है। 1970 में जब पोंग डैम बना था तो उस टाइम बहुत सारे जो गाँव थे वो पानी में डूब गए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाथू टेंपल की। बाथू टेंपल एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 50 साल से पानी में होने के बावजूद भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। यहाँ से डैम का एरिया स्टार्ट हो जाता है और बाथू टेंपल जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे जाके है। तो इसके आगे सारा ही जो एरिया है वो डैम का है और ये डैम का एरिया जो है वो बरसात में तो एकदम यहाँ तक पानी होता है, लेकिन दिसंबर के महीने में पानी उतर जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है और लोग जो है वो जो पानी जहाँ से उतर जाता है वहाँ पर अपनी गेहूँ की खेती करते हैं। आप देख सकते हो बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं पोंग डैम देखने के लिए। इनको बाथू टेंपल से मतलब नहीं है, इनको पोंग डैम देखना है। ये सोच रहे हैं कि हमने बोटिंग करनी है वहाँ पर जाके, लेकिन वहाँ पर इस टाइम बोटिंग नहीं होती है। अगर हम दूसरी साइड से आते, तलवाड़ा साइड से आते, तो शायद बोट के ज़रिए इस मंदिर तक आते। तो ये सारा एरिया जो है वो पोंग डैम का है और ये डूब जाता है जब पानी से भर जाता है। जब भी आप कभी इस तरह का वीडियो देखते हो और आपने पहले कभी उस जगह पे विज़िट नहीं किया है, तो आप वीडियो देखकर उस जगह की क्वालिटी का, उस जगह की ब्यूटी का पता नहीं लगा सकते। आपको ऐसी प्लेसेस पे खुद विज़िट करना चाहिए। ये जो आप सामने देख रहे हो यही बाथू का टेंपल है और 50 साल पानी में डूबने के बाद भी ये मंदिर ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। मई और जून के महीने में तो यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। किसी लोकल ने हमें बताया था कि पिछले हफ्ते यहाँ पर 1 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। तो अगर एक दिन में अगर 1 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पब्लिक यहाँ पर आती होगी। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये पोंग डैम का एरिया है, ये पोंग डैम का पानी है सारा का सारा। इस मंदिर को चूना और पत्थरों से मिलकर बनाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आज 50 साल के बाद भी ये मंदिर ज्यों का त्यों ही खड़ा है। अदरवाइज़ आज की डेट में अगर हम घर बनाते हैं तो 6 महीने के अंदर तो पपड़ी जम जाती है। और तो और अगर बाहर की मेंटेनेंस ना की जाए तो पीपल के पेड़ तक उगाते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसकी बाहर की दीवारें जरूर डैमेज हो गई हैं, लेकिन मंदिर जो है वो ज्यों का त्यों ही खड़ा है। अब मेन मंदिर तो भगवान शंकर का है और मेन मंदिर के लेफ्ट राइट में 2 मंदिर हैं और सामने 6 मंदिर हैं। अब शिव मंदिर को छोड़ के बाकी किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं है, अंदर से खंडहर हो चुके हैं सारी। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का अंदर से नज़र आता है मंदिर। अब सारी मंदिर जो है वो अंदर से कुछ इस तरह के ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो पांडवों के टाइम का था और पांडवों ने बनाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो 1200 साल पहले का है और यहाँ का जो राजा था उसने बनाया था। लेकिन जिसने भी ये मंदिर बनाया हो, एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन मंदिर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। 50 साल पानी में रहने के बाद भी ये मंदिर आप देख सकते हो जैसा का तैसा खड़ा है। आसपास से डैमेज हो चुका है, इसकी दीवारें वगैरह डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो मेन हिस्सा है, जो मेन मंदिर हैं, वो सारे ज्यों के त्यों ही खड़े हैं। इस मंदिर को देख के मैं यही कह सकता हूँ कि समय के हिसाब से इंसान की ज़रूरत का शिकार होके रह गया। आदमी को बिजली पानी की ज़रूरत थी और सरकार ने यहाँ पे डैम बना दिया और मंदिर जो था वो पानी में डूब गया।
अब ये जो स्तंभ आप देख रहे हो, जब पूरा डैम पानी से भर जाता है तो सिर्फ इस स्तंभ का ही ऊपर का हिस्सा नज़र आता है, और इस स्तंभ के अंदर 200 से 250 सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। अब मंदिर, जो मेन मंदिर है भगवान शंकर का, उसके ठीक सामने एंट्री गेट है, और एंट्री गेट से 10 या 15 मीटर की डिस्टेंस पे नीचे जाके ये कुआं है। हम लोग कुएं के पास खड़े हुए थे लेकिन हमें जाने नहीं दिया, कायदे से जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कितना गहरा है कुछ नहीं पता। और इसके ठीक नीचे पोंग डैम का एरिया है, ये सारा पोंग डैम का पानी है। पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है। स्थानीय लोगों के अकॉर्डिंग इस डैम की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।